बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अमित झा, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज है, इफ़ चैप्टर से। इफ़ आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ए प्लस आई बीटा, शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बीटा। तो हमको योगी बिन है, पहले उसको लेंगे, उससे ये प्रूव करना होगा। योगी बिन है वो ये है, यानी देखते हैं यहाँ पर, गिवन दैट हमको दे रखा है, हम लेफ्ट वाले को राइट में और राइट वाले को लेफ्ट में बचा देंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें इसको फिर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं उसको, यानी अल्फा प्लस आई बीटा को। और इसको क्योंकि पूरा जो कैलकुलेशन है ज़्यादातर वो राइट यानी आई टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा को सॉल्व करने में रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो है ए टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर जेड, ये पावर ऐसी रही और ये जो बेस था वो लॉग में चला जाएगा, यानी लॉग ए। इस फार्मूले का जनरल एक्सपोनेंशियल फार्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, तो इसको यहाँ पर अप्लाई करना है, इस फार्मूले को यहाँ पर लिखा है फार्मूले को, तो इसे लिखा जा सकता है ई की पावर में भी लिखा जा सकता है। जब ई की पावर में लिखेंगे तो ई टू द पावर हो जाएगा, ये जो पावर है वो अपनी जगह पर रहेगी, यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और ये बेस था आई वो पहुँच जाएगा इसके मल्टीपल में पावर के, यानी लॉग आई हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि जो कैपिटल लिखा हुआ है लॉग, तो ये जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इस जनरल वैल्यू से हम प्रिंसिपल वैल्यू में पहले आएंगे, तो ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और इस जनरल वैल्यू को हम इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, यानी इससे लिखा जा सकता है लॉग आई, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, स्मॉल लॉग में लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे टू एन पाई आई, ये इनके बीच में जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पर अगर प्रिंसिपल वैल्यू में टू एन पाई आई जोड़ देते हैं तो ये जनरल वैल्यू बन जाती है लॉग आई की, और यहाँ पर एन कोई भी इंटीजर है। अब इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पर मैं जाना होगा, ई टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा, और इसे लिखा जा सकता है आई को लॉग तो ऐसे लिख देंगे हम, आई को जो लिखेंगे वो ई टू द पावर आई पाई बाई टू, ई की पावर आई पाई बाई टू, और प्लस में चल रहा था टू एन पाई आई। ये हमने ई टू द पावर आई पाई बाई टू लिख दिया है आई की जगह पर, कैसे लिख दिया वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर यूलर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, क्योंकि यूलर फार्मूला होता है ई टू द पावर आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, ये होता है साइन के साथ आई आता है, तो यहाँ पर आई जेड की जगह पर अपना पाई बाई टू है, तो आई पाई बाई टू करेंगे तो कॉस पाई बाई टू यानी जेड की जगह पर पाई बाई टू आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कॉस पाई बाई टू यानी कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आई इंटू वन करेंगे तो आई आ जाएगी, यानी आई को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई पाई बाई टू। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो लॉग में पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, तो उस फार्मूले का जो अप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू यहाँ पर आई पाई बाई टू आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी, और बेस यहाँ पर नहीं लिखा है तो बेस हम लोग जानते हैं लॉग का ये ई होता है यहाँ पर, तो और दोनों वैल्यू जब इक्वल होती है मीन्स यही जो लॉग की वैल्यू है इसका लॉग निकालना है और जो बेस सेम है तो इसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है, तो इसकी यहाँ पर वन रख देंगे, तो ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू आई पाई बाई टू इंटू वन कर देंगे प्लस टू एन पाई आई हो जाएगा। अब यहाँ से हम पाई बाई टू को कॉमन ले लेंगे, तो देखिए कितना बचता है ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और यहाँ से पाई बाई टू को कॉमन ले लीजिए,
फाइव बाई टू को कॉमन लेने के बाद ये बचेगा हमारे पास इधर, और आई भी यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आई को भी अगर हम बाहर लिख लेंगे थोड़ा सिंपल फार में ये आ जाएगा, तो यहाँ पर वन बचेगा पाई बाई टू, आई पाई बाई टू कॉमन लेने पर यहाँ पर पाई बाई टू कॉमन ले रहे हैं तो इधर टू है नहीं अपान में, टू का इंटू हो जाएगा तो ये फोर एन बन जाएगा, जबकि पाई आई को हमने बाहर ले लिया है, मीन्स आई पाई बाई टू को हमने यहाँ पर बाहर लिया है। अब यहाँ पर ये करें कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसमें रियल और इमेजिनरी दो पार्ट में ये बढ़ जाएगा, तो रियल को अलग करके लिखना होगा, इमेजिनरी को अलग करके लिखना होगा। तो ये नंबर का दोनों में आपस में मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, तो इसका इनटू जब हम यानी आई का पहले इनटू कर दें इन दोनों टर्म्स में, तो ई टू दी पावर आई का इनटू इसमें करेंगे तो आई अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू करेंगे तो आई स्क्वायर बीटा हो जाएगा। फिलहाल इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं फोर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। अब ये इसका अंदर दोनों में इंटू करेंगे जब ये रियल और इमेजिनरी में बढ़ जाएंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस वन रख देंगे, और लेफ्ट में चल रहा है अल्फ़ा प्लस आई बीटा को, तो इसको हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा, इसलिए हमने इसको हमने शुरुआत में लेफ्ट में लिख दिया, इसमें कैलकुलेशन देखिए किया है, और फिर इसके बाद आई स्क्वायर की माइनस वन रख देंगे, तो लेफ्ट अगले पेज पर हम देख रहे हैं इसका सोल्यूशन कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू हो गई है, ये चल रहा था ई टू दी पावर आई अल्फ़ा, और आई स्क्वायर की जगह पर माइनस वन रखने पर ये इनटू में बीटा, और फिर था फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू। इसको हमने बोला था कि दो पार्ट में बांट देंगे, यानी ई टू दी पावर इसका इनटू जब इस पहले वाले में करेंगे तो आई इनटू अल्फ़ा इनटू फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू, और माइनस इसका इनटू इसमें हो जाएगा तो बीटा इनटू फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो पार्ट में ये इसको हमने बांट दिया है, तो इसमें ई टू दी पावर में माइनस का ही आ रहा है, इसको हम इस पहले तो दो पार्ट में बांट करके लिख दें, या इसमें भी हम इसको पहले लिख दें तो माइनस बीटा इंटू फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू, और इस ये प्लस की वैल्यू इसको हम बाद में लिख दिया आई इंटू अल्फ़ा इंटू फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू। देखिए ए की पावर अगर एम और बी की पावर सॉरी ए की पावर एन हो तो इनटू होने पर पावर ऐड हो जाती हुई, ऐसी ऐड हुई पावर को हम इनटू की फार्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो उसको अलग अलग फार्म लिख दें, बेस जो है रिपीट कर देंगे, यानी ई को हम यहाँ पर दो बार लिख देंगे ई टू दी पावर ये हो जाएगा प्लस इंटू ए टू दी पावर ई टू दी पावर ये हो जाएगा, तो ई की पावर हो जाएगी माइनस बीटा इंटू फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू, और ई की पावर ही हो जाएगी, यानी इस फार्मूले को हम यहाँ से इधर वापस लौट रहे हैं तो हो जाएगा आई इंटू अल्फ़ा फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू। तो इसको एज इट लिखा रहने देंगे और जैसे प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग बस इसको बंद लेंगे ई टू दी पावर, यानी उसमें है ये प्रूव करना है उसमें, तो माइनस फोर एन प्लस वन को पहले लिख दिया इनटू है तो हम इसे कॉमुटेटिव ब्लॉक को प्रूव करके आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और इनटू में है ये पाई फिर बीटा को बाद में लिख दिया अपान में टू कर दिया, और यहाँ पर ये ऐसे ही लिख दें ई टू दी पावर और ये पहले से लिखा है अल्फा को बाद में लिख देते हैं, तो आई इनटू ये फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई अल्फ़ा अपान में टू, इस फार्म में इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है।
अब यहाँ पर यूलर फार्मूला लगा दें। यूलर फार्मूला जैसे कि पहले बता चुके हैं कि ई टू दी पावर आई जेड का फार्मूला होता है कॉस जेड और प्लस आई इंटू साइन जेड। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस वाले में, आई वाले पोर्शन में इसको ऐसे रहने देंगे। तो ई टू दी पावर माइनस का 4n+1 टाइम्स पाई बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर यूलर फार्मूला जब लगाएंगे तो कॉस आएगा और ये एंगल हो जाएगा जेड की जगह अपना इतना है, यानी 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा बाई 2 प्लस फिर आई इंटू साइन जेड की जगह पर इतना साइन, और ये एंगल सेम रहेगा 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा बाई 2। अब ये वैल्यू जो इक्वल चल रही है वो अल्फा प्लस आई बीटा के इक्वल चल रही है। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी अलग है, नहीं आई का कोफिशिएंट अलग है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी कर लिया है लगभग। बस इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो इसका इनटू दोनों में हो जाएगा, उसको हम लिख देते हैं। तो ई टू द पावर माइनस 4n+1 टाइम्स पाई बाई 2, आप डायरेक्ट भी इसको कंपेयर करके रियल और इमेज पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। हम थोड़ा डिटेल में करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके भी दिखा रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना ब्रैकेट ओपन किए हुए। तो ई टू दी पावर इसका इंटू इस टर्म में भी हो जाएगा, तो माइनस 4n+1 टाइम्स पाई बीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा बाई 2। हमने इस ब्रैकेट से बाहर तो इसका इंटू दोनों टर्म्स में कर दिया, तो इतना हमको मिल गया। और ये चल रहा है अल्फा प्लस आई बीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कुल चल रहा है। राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट के कुल होगा, जिसमें आई नहीं आ रहा है। तो ई टू द पावर माइनस 4n+1 टाइम्स पाई बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं छोड़ते हैं। जब इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करेंगे, यानी आई को कोफिशेंट निकालेंगे, बीटा ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी आई के कोफिशेंट के बराबर होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ई टू दी पावर माइनस 4n+1 टाइम्स पाई बीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ, ये वैल्यू लिखेंगे पूरी, साइन ऑफ 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा बाई 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ई टू दी पावर माइनस 4n+1 टाइम्स पाई बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा अपॉन 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू ये रख दें जो कि हो जाएगी ई टू दी पावर माइनस 4n+1 टाइम्स पाई बीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एंगल वही रहेगा, यानी 4n+1 इंटू पाई अल्फा बाई 2, यही एंगल है देख लीजिएगा, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस ई का भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई टू, इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 4n+1 इंटू पाई बीटा अपान 2, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू इस कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा बाई 2। और सेम ऐसे ही सेकेंड वाले टर्म में भी इस ई टू दी पावर माइनस 4n+1 टाइम्स पाई बीटा अपान 2 का भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा 4n+1 टाइम्स पाई अल्फा बाई 2। तो देख रहे हैं कि प्लस का निशान है दो टर्म है, और इनमें ये चीज़ जो है वो कॉमन है, तो इसको हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर ले लेंगे। जब इसको बाहर ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो कॉमन लिया ई टू दी पावर माइनस फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई बीटा बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में जब यहाँ से ये बाहर निकल गया तो फर्स्ट टर्म में कॉस स्क्वायर बचेगा, एंगल जो है वो लिख देंगे कॉस स्क्वायर फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई अल्फा बाई टू, और प्लस सेकेंड टर्म में ये कॉमन लेने के बाद बचेगा साइन, यानी साइन स्क्वायर फोर एन प्लस वन टाइम्स पाई अल्फा बाई टू। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर हम ये करें कि ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस फोर एन प्लस वन इंटू पाई बीटा बाई टू, ये अंदर की पावर है और बाहर की पावर टू है, इसका इंटू हो गया। और ये वैल्यू मैंने बताई थी कि वन के इक्वल होती है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, टू से टू ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्रूव करना थी ई टू दी पावर माइनस फोर टाइम एन प्लस वन इंटू पाई बीटा, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।